पीछे दिखाई दे रही है, ये है इंदिरा गांधी मुख्य नहर। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह है RD 1109। एक RD का मतलब 1000 फीट, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए, ये इसकी मेन कैनाल की 1109 RD है। 1109 RD से खास बात यह है कि यहाँ से जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जिससे जोधपुर शहर को पीने का पानी सप्लाई होता है, वो यहाँ से ऑफटेक लेती है, यहाँ से निकलती है, वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। खास बात मैं अभी इस वीडियो में आपको बता दूं कि इस जगह इंदिरा गांधी मेन कैनाल की जो टॉप विड्थ है वो हम लगभग बात करें तो 80 से 100 मीटर के बीच में यहाँ से चौड़ी है, और यदि गहराई की बात करें तो लगभग 15 या 16 फीट के आसपास यहाँ पे गहराई है। अब बात करते हैं जोधपुर लिफ्ट कैनाल के उद्गम स्थल की। जैसा कि हमने एक वीडियो में वादा किया था कि जहाँ से कैनाल निकलती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल भी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो मुख्य नहर है, इंदिरा गांधी मेन कैनाल, तो उसकी RD 1109 से निकलती है, जो है मदासर नाम का गांव है जैसलमेर ज़िले में, वहाँ से ये कैनाल निकल रही है। इस कैनाल की टोटल लेंथ है 205 किलोमीटर, और इसमें 8 पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। उन पंपिंग स्टेशन का क्या कार्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ से ये नहर निकल रही है RD 1109 से, वहाँ के बीच, वहाँ से और जो जोधपुर में जहाँ पानी पहुँच रहा है वहाँ के बीच की जो कुल हाइट का डिफरेंस है वो 217 मीटर हाइट का डिफरेंस है। तो लिफ्ट कैनाल इसीलिए कहा गया है, जैसे अपने घर में अंडरग्राउंड में वाटर टैंक जो बना हुआ है वहाँ से अपन मोटर के जरिए ऊपर रखी जो पानी की टंकी है वहाँ तक जो पानी पहुँचाते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पर लिया गया है। उसी के तहत पानी को नीचे स्तर से ऊंचे स्तर तक डाला जाता है, इसी को लिफ्ट प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे जो सिद्धांत पर आधारित नहरें उन्हीं को लिफ्ट कैनाल कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना है जोधपुर शहर के लिए। एक जब से जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी तभी से पीने के पानी की जोधपुर शहर को बहुत किल्लत रही थी, तो उसी का समाधान ये लिफ्ट नहर लेके आई। हिमालय का पानी जोधपुर तक पहुंचना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बहुत अनूठा नमूना पेश हुआ है। बीच में लगभग आप बात करें तो 700 किलोमीटर की दूरी, और वो भी इस मरुस्थल को चीर कर जो इस लिफ्ट कैनाल ने पूरी की है, तो वो एक देखने में और फील करने में एक अलग ही एहसास है। आपको मैं बताऊं, लिफ्ट कैनाल ये जो बनकर तैयार हुई लगभग 1996 में बनकर तैयार हो गई थी, और तभी से आज तक ये जोधपुर ज़िले के बहुत सारे गांवों को प्लस जोधपुर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है। जब से जोधपुर की स्थापना हुई थी तब से जो पानी की समस्या थी वो इस लिफ्ट कैनाल ने सॉल्व की है, तो इसलिए इस लिफ्ट कैनाल को, जिसका नाम राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल भी है, जोधपुर शहर की जीवन रेखा लाइफलाइन भी कहा जाता है। लिफ्ट कैनाल का पंपिंग स्टेशन और उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे पानी लिफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें, ये आपको जो अभी वीडियो में दिख रही है ये कैनाल है ट्रेपेजोइडल सेक्शन की है, लेकिन अभी ये भरी हुई है, लगभग इसमें 2 मीटर हाइट का पानी है। और अब हम बात करें पंपिंग स्टेशन की, तो ये पंपिंग स्टेशन है, ये पंपिंग स्टेशन की बिल्डिंग है, इसमें जो सामने लगी हुई है इन्हें कहते हैं स्क्रीनिंग, ताकि इससे क्या है कि कचरा वगैरह आगे पंपिंग स्टेशन तक ना जाए, पंप तक ना पहुंचे, इसलिए ये प्रोटेक्शन दी हुई है। और यहाँ लगभग पानी की हाइट है 4 मीटर के आसपास, और इसमें वर्टिकल पंप लगे हुए हैं, पंप इस बिल्डिंग के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है, ये जो लेवल है आगे ये है अपस्ट्रीम साइड, तो जो इस पंपिंग स्टेशन का डाउनस्ट्रीम साइड है वो यहाँ से लगभग 10 मीटर ऊंचा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से पानी को 10 मीटर ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए इसको लिफ्ट कैनाल बोलते हैं, लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। अब मैं आपको डाउनस्ट्रीम साइड दिखाता हूँ, यहाँ से आप स्थिति को ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जो भी आपको कैमरे में दिख रहा है सामने जो कैनाल पोर्शन दिख रहा है, ये है अपस्ट्रीम साइड, ये है पंपिंग की बिल्डिंग, और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ये है डाउनस्ट्रीम साइड। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डाउनस्ट्रीम साइड में चढ़ने के लिए स्टेयर्स लगी हुई हैं, तो ये 10 मीटर ऊपर है ये सेक्शन, और जो अपस्ट्रीम साइड है वो है 10 मीटर नीचे। तो यहाँ से पानी को लिफ्ट करके पंपिंग के थ्रू इसमें अंडरग्राउंड यहाँ पे पाइप डले हुए हैं, और वो पानी को डाल रहे हैं डाउनस्ट्रीम साइड में। अब आपको मैं ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ डाउनस्ट्रीम में पंपिंग का पानी कैसे ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पंपिंग स्टेशन के अंदर क्या क्या है। जो आपको ये दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है क्रेन, और ये गैंट्री गर्डर के ऊपर फिक्स की गई है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ये क्रेन है। और जो आपको ये स्लाइड्स वगैरह जो दिख रही हैं गैंट्री गर्डर है, और ये इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली आराम से मूव करती है। ये नीचे जो पड़े हैं ये हैं पंप के कंपोनेंट,
जो वर्टिकल पंप है, पंप हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसा भी हो सकता है, तो ये ब्लेड्स हैं पंप के अंदर की, इनको मोटर के जरिए घुमाया जाता है, तो इनकी वजह से फिर पानी उठने लगता है ऊपर पाइप के अंदर और वो डाउनस्ट्रीम तक पहुंचता है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, ये एक पंप यहाँ पे संयोग से खुला हुआ मेरे को मिल गया, तो मैं आपको इस वीडियो में वो दिखा रहा हूँ। जैसे अभी आप देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये सब पानी में चला जाएगा नीचे, और ये जो आपने सामने आपको अभी ये दिख रहा है राउंड राउंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पंप है ये वर्टिकली ऑपरेटेड मोटर है, वर्टिकली इंस्टॉल्ड है। इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये है मोटर, और जो अभी आप देख रहे थे जो पूरा हिस्सा ज़मीन में चला जाता है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, वो है पंप, वो है उसको अपन बोल सकते हैं एक तरह से, वो मैकेनिकल डिवाइस है, पंप ही है वो। तो ये जो मोटर हैं इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, कोई 75 क्यूसेक की है, कोई 70 क्यूसेक की है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से पंप इंस्टॉल किए गए हैं। सभी पंपिंग स्टेशन पर मोटर की संख्या और जो लिफ्ट की हाइट है वो अलग अलग हो सकती है। साथियों ये है नहर का डाउनस्ट्रीम साइड, जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये पाइप लगे हुए हैं, ये 5 पाइप लगे हुए हैं, तो नीचे इनसे 5 वर्टिकल पंप कनेक्टेड हैं और वो पानी को नीचे से लिफ्ट करके यहाँ तक भेज रहे हैं। ये डाउनस्ट्रीम साइड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पानी वहाँ पे उछल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से अपस्ट्रीम साइड भी दिखाता हूँ ताकि आपका व्यू थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये देखिए यह है पंपिंग स्टेशन की बिल्डिंग, और वो सामने शायद आपको कैनाल भी दिख रही होगी इसमें। तो उधर इस पंपिंग के दूसरी साइड और यहाँ जहाँ भी हम खड़े हैं यहाँ के लेवल में फ़र्क है 10 मीटर का, और ये पानी को लिफ्ट कर दिया गया है पंपिंग के दूसरी साइड से इस साइड में पानी को पहुँचा दिया गया है, इसमें जो पंपिंग स्टेशन में मोटर्स लगी हैं उनके जरिए।